हमेशा गाइस मुझसे पूछते हैं ब्लॉग नहीं आ रही, ब्लॉग नहीं आ रही। सर क्या कहना चाहेगा बताओ। सो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास। नहीं आ सक रहा था क्योंकि अमित का जीएफ धोखा दे चुका। ये चीज गाइस कट हो गए पहले। क्या हुआ? है अंकल लेकिन मजा भी है इन्हीं नजारों पे तो गाइस पास है। ये लोग गाइस क्या बोल रहे हैं पर भी आप देख रही होगी। अमित से जल्दी कांटेक्ट करें काहे कि अमित का जो है दिल टूट चुका है। और क्या बोले नेता थोड़ी है। Hey family, good evening and welcome back to another new vlog. So guys, my name is Amit and you are watching Amit Harivansh vlog. So guys, कैसे आप सब हो? सो भी मस्त होंगे और हाँ हमेशा मस्त ही रहना। So guys, finally आज इतने दिन के बाद मैं दोबारा से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज बहुत लोग तो नहीं बोलूंगा बट कुछ लोगों का आशा था कि मैं दुर्गा पूजा का ब्लॉग बनाऊंगा, छठ पूजा स्पेशली लोग छठ पूजा के बारे में पूछ रहे थे ब्लॉग के बारे में क्यों नहीं बनाए क्यों नहीं बनाए। बट उस टाइम पे गाइस बहुत सी चीजें इधर उधर चल रही थी जिसकी वजह से बिल्कुल भी मन नहीं किया एंड आज का जो ये ब्लॉग है इसे आप समझ लो एक छोटा सा रिहर्सल है। शायद इसके बाद से फिर आगे कंटिन्यू व्लॉग्स आएंगे एंड सबसे पहले गाइस मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पे हमारे साथ में है सुबानी और अभय। इनके बगैर गाइस व्लॉग बने तो फिर मजा नहीं आता बिल्कुल भी। एंड अभी हम लोग गाइस है अपने वीडियो का स्टार्टिंग एरिया से हमारा घूमू का ब्रिज एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस यहाँ से विक्रम को भी लेना है। एंड बाय द वे गाइस यहाँ पे अपनी ने मेरी निराली एंड अभी गाइस मैं हेलमेट भी लेकर के आया हूँ बिकॉज गाइस आज मैं दोबारा से मोटर व्लॉग करने वाला हूँ एंड वो भी अपने एरिया पे विच इज गोना बी गाइस डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज गाइस बाहर मुझे कैसे भी आप ब्लॉगिंग करने के लिए बोलो मैं इजिली कर लूंगा लेकिन अपने एरिया में गाइस थोड़ा सा मुश्किल होता बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सब कोई मुझे जान रहे होते एंड अचानक से गाइस ऐसे देखेंगे तो लोग पागल हो जाएगा कि यार ये आखिर में कर क्या रहा। सो बाय द वे गाइस जो भी हो अपना तो यही काम है। सो अभी गाइस अपन चलते हैं अपनी निराली पे एंड आप लोगों से गाइस मिलता हूँ सीधा मोटर व्लॉग में। चलो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे मोटर व्लॉग सेटअप में एंड सेटअप लगाने में गाइस बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और अभी ही रोने लगा सुबह हो जाएगा भाई टेंशन मत ले। सो गाइस अब सीधा चलते हैं बाइक पे एंड निकलते हैं लोकेशन के पास। तो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के पास एंड ऑलमोस्ट गाइस 3:30 हो चुकी है एंड काफ़ी दिनों के बाद गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा से मोटर व्लॉग कर रहा हूँ अपने होम वो एरिया में। लेट्स गो गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं फाटक के पास एंड यहाँ से अपन सीधा चलेंगे स्टेशन। सो यहाँ से लेते हैं अपन राइट टर्न एंड सची बोले तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो रहा हूँ अभी बिकॉज गाइस अपने एरिया पे ब्लॉग करना इज नॉट इजी बट इट इज माय ड्यूटी सो आई विल हैव टू डू। तो गाइस फाइनली अपन पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस हम लोगों ने फाइनली विक्रम को पिक कर लिया यहाँ से। कष्ट है अंकल लेकिन मजा भी है। अंकल इज ओपी गाइस। अंकल बोल रहे हैं कितना कष्ट है इस बाइक में। कष्ट तो है भाई सच्ची बोलूँगा। लॉन्ग राइड करने में हालत ख़राब हो जाती है, बैक पेन होने लगती है इसमें लेकिन मज़ा भी बहुत आता है बिकॉज रिएक्शन लोगों के अल्टीमेट से रहते हैं खास करके बच्चों के। वो लोग कहाँ रह गए यार। इन्हीं नज़ारों के तो गाइस पैसे है। पहुंच गया भाई हम लोग। नहीं यार अभी हम लोग को आगे जाना है। उल्लू ऐसा होता है। दिन में उल्लू दिखने लगा भाई को गाइस देख लो। एंड भाई क्या मस्त लग रही सामने से पारसनाथ पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। हम लोगों को तो गाइस यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रही है लेकिन कैमरे में पता नहीं कितना क्लियर दिख रही होगी। एंड ये देखो गाइस इन लोगों को पहली बार आए हो क्या यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे मैं रुका था बस मुझे बहुत जोर से लगी हुई थी खाली करने के लिए एंड ये देखो गाइस वो लोग पक्षी को देख करके हंस रहे एंड अब इधर से गाइस सिर्फ पहाड़ों का व्यू एंजॉय करो। इधर भी गाइस पहाड़ इधर भी पहाड़। मुझे गाइस बाहर जो रहते हैं उनके इंस्टा पे डीएम्स आते हैं कि उन लोगों को गाइस हमारे यहाँ का पहाड़ घूमने का बहुत शौक है उनको मन करता है। हमारे यहाँ के लोगों का ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आती है एंड यहाँ से गाइस अब गाँव एरिया स्टार्ट होने वाली है। सो थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत सी छोटे छोटे मुर्गी मुर्गियाँ हैं। ये देखो गाइस मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ ये अचानक से भागते रहते हैं। सो आई डोंट वांट कोई भी मेरे गाड़ी के नीचे आए और हमारा भी गाइस
रोड रेज वाला कोई वीडियो बने, तो इसलिए अपन यहाँ पे गांव में बिल्कुल संभाल के ही चलेंगे। ये सामने वाला पहाड़ कितना मस्त लग रहा। एंड इधर भी चेक करो गाइस, काफी ऑसम जगह है यहाँ पे हमारे। ये रोड भी गाइस काफी मस्त लगती है, देख रहे क्या भयंकर लग रही है ये रोड। सच बोले तो गाइस मैं अपने एरिया में ही राइड करके काफी इंजॉय करता हूँ। पता नहीं मनाली और लद्दाख हम लोग कब करेंगे। अब लद्दाख कब करेंगे हम लोग, लद्दाख राइड कब करेंगे? यहीं से। हाँ एंड गाइस अपन यहाँ से चल रहे नीचे। एंड ऑलमोस्ट गाइस हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अपने लोकेशन में। यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। ओ सीट भाई इधर से कहाँ जाना है? यार कंफ्यूज हो गया रास्ता यहाँ से, मैं थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज हो गया हूँ गाइस। फिर भी आगे चल के देखते हैं किधर है वो लोकेशन, वरना फिर हम लोग को वापस से रिटर्न आना पड़ेगा। हो पहुँच गए हमको। अभी ये लोग गाइस चिल्लाने वाले हैं बिकॉज ये लोकेशन इतनी कुछ खास है नहीं, बट मेरा एक छोटा सा राइड करने का मन था इसलिए मैं सोचा चलो आज राइड भी करते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करते हैं। बस गाइस हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, यहीं पे हम लोग थोड़ा मोड़ा सोच करेंगे। आज एक भी अभय का वर्ड कट नहीं करूँगा। जितना भी गाली दिया होगा सब एडिट होगा अभय, आज समझ के तू गाली देना। पास लगा अभय जगह है मस्त है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन के पास में। ये अपना लोकेशन है। उन लोगों का इग्नोर मारना। सो गाइस लोकेशन पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी। मैं गाइस यहाँ पे स्पेशली आया हूँ मस्त वाली रील बनाने के लिए जो अभी मैं शूट करूंगा। एंड मैं सोचा कि चलो आज कोई नई लोकेशन पे जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी लेता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे ब्लॉग से कुछ क्रिएटर्स भी देखते हैं। सो शायद अगर उनको भी अगर ये लोकेशन अच्छी। अरे भाई ये लोग गाइस ब्लॉग करने नहीं देंगे। सो गाइस मैं बता रहा था कि मेरे ब्लॉग्स कुछ क्रिएटर्स भी देखते हैं। सो अगर किसी को लोकेशन अच्छी लगेगी तो वो भी आकर के यहाँ पे रील्स क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशन इतनी भी कुछ बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा शांति है। एंड आप लोगों को गाइस मालूम ही है हमारे ग्रुप में सभी को ऐसे शांति वाले प्लेस बहुत ज्यादा पसंद है, जहाँ पे गाइस ज्यादा लोग ना, वैसी लोकेशन में गाइस आकर के बैठना बातें करना काफी अच्छा लगता है। जो अभी आते हैं वो लोग गाइस वहाँ पे लगे पड़े हुए डिस्कस करने में। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस बरसात में बहुत ज्यादा सही लगती है लोकेशन। एंड उधर से गाइस सनसेट हो रही है। सनसेट तो गाइस यहाँ से उतनी क्लियर दिख नहीं रही, बट आगे मैं आप लोगों को चलता हूँ, आगे से थोड़ी सी सनसेट दिख जाती काफी अच्छी। एंड इधर गाइस यहाँ पे थे और ये गाइस डंक केक है, हिंदी में गाइस गोबर जान ही रहे, इंग्लिश में डंक केक। किसी को चाहिए तो बोलना मैं पार्सल करवा दूंगा यहाँ से। एंड ये गाइस यहाँ पे खेत, इधर भी खेत और ये रहा गाइस सनसेट। एंड गाइस अब थोड़ा सा यहाँ पे सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर देखते हैं अभय का डिमांड है गाइस आगे चलने के लिए उस पहाड़ के सामने जाने का। सो देखते हैं अगर हमें वहाँ तक का रास्ता अगर हम लोग को मिल जाएगा तो गाइस अपन चलेंगे। सो गाइस अब थोड़ा सा यहाँ पे सिनेमैटिक्स बनाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो गाइस हम लोगों ने जितना सिनेमैटिक्स बना सका बनाया इस जगह पे। एंड थोड़े मोड़े रील्स भी शूट किया हम लोगों ने। हम लोग गाइस हमेशा की तरह लेट हो जाते हैं जिस वजह से गाइस इतना कुछ खास वेदर ने हम लोगों को नहीं मिल सका। मुझे नहीं पता गाइस ये व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, आई होप आप लोगों ने भी थोड़ा मोड़ा इंजॉय किया होगा। हम लोगों ने तो गाइस इस जगह को काफी इंजॉय किया, क्योंकि गाइस ऐसे जगह पे आकर के बैठने में हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है। कभी मौका मिलता है गाइस ऐसे ऐसे प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे गाइस ये सामने पीछे नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो,
और इधर मस्त मस्त पहाड़ हो, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अगर मौका मिले तो जाओ ऐसे प्लेसेस पे, थोड़ा सा गाइस अपने दोस्तों से आप लोगों को मिलवाता। तो तुम लोगों को कुछ बोलना है? सबकी गाइस हालत ख़राब हो चुकी है, बिकॉज विक्रम तो गाइस स्वेटर भी नहीं पहना। क्या सोच के आया था तू भाई बिना स्वेटर का? गर्मी चल रहा है। गर्मी नहीं, अमित बोला नहीं कि इतना ठंडा देगा। तो तेरे में कॉमन सेंस नहीं, साफ हो चुकी है। तोड़ दे भाई इसको, देख देख एक चीज दिखाता हूँ गाइस, ये सीकर। ये सिनेमैटिक्स चेक करो गाइस, एंड गाइस इनका भी सिनेमैटिक्स चेक करो। चलो सही करते हैं भाई, मजाक नहीं गाइस इन सब से, क्योंकि हाईवे में यही काम आने वाली है बहुत ज्यादा। मेरा गाड़ी में तो नहीं है लगा, बिना शीशा का चलता है। तू भाई बिना हाथ पकड़े भी चलाता, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब भाई लोग लोग हमेशा गाइस मुझसे पूछते हैं ब्लॉग नहीं आ रही, ब्लॉग नहीं आ रही। क्या कहना चाहोगे इसके पीछे? क्या कहना चाहेगा बताओ, बना नहीं रहा था, आलसी हो गया। आलसी नहीं हुआ गाइस, कुछ पर्सनल रीजंस है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, बट अपन अब गाइस ट्राई करेंगे आगे कंटिन्यू आप लोग को ब्लॉग दो। बस यहीं तक यहीं तक था बस। लोग नहीं आ सक रहा था क्योंकि अमित का जीएफ धोखा दे चुका है। ये सीन गाइस कट होगा पहले। हां नेहू का काम क्या हुआ अमित? ये लोग गाइस क्या बोल रहे हैं? यहां पर भी आप देख रही होगी, अमित से जल्दी कांटेक्ट करें, काहे कि अमित का जो है दिल टूट चुका है। और क्या बोले, नेता थोड़ी भाषण कसम हो गया गाइस जुबानी का, एंड ये सब बातें फिजूल की थी, ज्यादा सीरियस मत लेना। सो गाइस होप करता हूं गाइस आप लोगों ने ये छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो बस गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक गाइस आप लोग को बाय बाय। एंड हाँ गाइस अगला व्लॉग जल्द ही आएगी, किसी पे भी आएगी लेकिन आएगी। सो या गाइस हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसाते रहे। चलो बाय।